सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल लास्ट डे ऑफ रूल गेमर में। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। गाइज, हमने लो टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन बेस में ब्लू ग्रीन एंड पर्पल रूम की लोकेशन कहाँ कहाँ है और ब्लू ग्रीन एंड पर्पल कार्ड कैसे मिलता है, वो भी फ्री है। ये सब हम बातें करेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जहाँ पर मैंने पीछे बताई ना, वहाँ पर एक रूम था ना, उसके ऊपर मैंने चढ़ के बताया, वहाँ पर मिलेगा आपको बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक मिलेगा ग्रीन कार्ड। यहाँ पर ये जॉम्बी है, जॉम्बी को मार देते हैं। और ये है यहाँ का जनरेटर, और ये सामने दोनों रूम, दोनों का एक ही है। आपको ब्लू ग्रीन कार्ड यहाँ पर मिलेगा, तो ग्रीन रूम आप ओपन कर लेना, और ब्लू रूम का ब्लू कार्ड बताऊँगा कैसे मिलता है। ये दो रूम यहाँ पर है, और दो ही रूम हैं। देखो, दो रूम ग्रीन के हैं, दो रूम ब्लू के हैं, और दो रूम पर्पल के हैं। तो यहाँ पर एक ग्रीन का ये रहा, और एक रहा एक ब्लू का ये। देखो, दो ब्लू के हो गए, दो ग्रीन के हो गए। ये है एयरपोर्ट पे, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ पर टैंक होता है। सही रूम है पूरे मैप में, ऑपरेशन बेस में सही रूम है, बस दो ब्लू, दो ग्रीन, दो पर्पल के। और इसका जनरेटर यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर पीछे आना, पीछे की साइड यहाँ पर एक सीमेंट हाउस है, सीमेंट हाउस में आपको मिल जाएगा इनका जनरेटर। ये रहा इसका जनरेटर, यहाँ से वायर डाल के वहाँ पर रूम ओपन कर लेना, सिंपल सा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और अब मैं आ गया हूँ बॉम्ब सेंटर, बॉम्ब सेंटर में है पर्पल रूम। तो पर्पल रूम को कैसे ओपन करें वो भी बता देता हूँ, इसका जनरेटर कहाँ पर है। आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक मास्क लेके आना, और उसी के साथ यहाँ पर पीछे बैग लगा देना सबसे बड़ी बात, और मेडकिट भी साथ में होनी चाहिए, और शॉटगन, और शॉटगन की एमओ, ये शॉटगन तो होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जॉम्बी मारते मारते आपका दिन ख़त्म हो जाएगा, शॉटगन से जल्दी मर जाएंगे। और सामने सीधे जाना है, यहाँ पर एक दो बॉक्स होंगे, अभी नहीं है क्योंकि मैं पहले भी आया था इसमें, लूट के गया था, तो यहाँ पर अभी बॉक्स नहीं आए। पर्पल कार्ड कैसे मिलता है वो भी बताऊँगा आगे, और ब्लू कार्ड कैसे मिलता है वो भी बताऊँगा। हाँ, और अभी एक और बात बता दूँ कि देखो, अभी देखो फ्री में मिलता है वो भी बताऊँगा। देखो अभी बता देता हूँ कि ब्लू कार्ड एंड ब्लू नहीं पर्पल कार्ड, ओनली पर्पल कार्ड है वो मास्टर अवेंजर है, उसका किल करने पर मिलेगा। एक आप जॉम्बी रेड बुलाओगे, जॉम्बी रेड में ड्रॉप आएगा, उससे वहाँ से पर्पल कार्ड मिलेगा। और आपको एक मिलेगा टैंक का किल करने से, और ये सब आपको करना नहीं आता, टैंक का किल कैसे करे वगैरह, ये सब जॉम्बी रेड कैसे बुलाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा कि जॉम्बी रेड कैसे की जाती है ऑपरेशन बेस में, तो वो भी वीडियो देख लेना। और टैंक का किल कैसे करे उसकी ट्रिक है वो भी बताई है मैंने, तो वहाँ से भी आपको पर्पल कार्ड मिल सकता है। और एक और जगह वहाँ से भी मिलता है, वहाँ से फ्री मिलता है, वो भी आगे वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। वहाँ पर मैंने वायर डाल दिया है, वहाँ से सीधे नीचे आओगे इस तरफ, ये अपने जो रैंकेट में होता ना बॉम्ब सेंटर, वैसा का वैसा ही बॉम्ब सेंटर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये रहा अपना पर्पल रूम, यहाँ से सीधा ओपन कर लेना है, और इसके अंदर ये एडवांस एमएसएस्ट। देखो, फर्स्ट बार एंड सेकंड बार, थर्ड बार, दो तीन बार हमको ज़्यादा कोई आइटम नहीं मिलेगी अपने पर्पल रूम से, बाद में धीरे धीरे जो जो हम ज़्यादा रूम ओपन करेंगे उसके बाद वैसे वैसे ज़्यादा एक एक गन, हर बार एक एक गन मिलेगी हमको। यार ये जॉम्बी, और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री पे। जो भी इसका नाम केमिकल फैक्ट्री है जो भी है, यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है गाइस, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर सीधे आते ही आपको ये बिल्डिंग मिलेगी, इस बिल्डिंग में सीधे जाना है, और इसका तो सीधा सा जनरेटर वो सामने पड़ा, देखो यहाँ पर एक थोड़ा लेफ्ट होती ही, ये रहा इसका जनरेटर। यहाँ पर आपको वायर डाल देना है, और इसका रूम है पर्पल रूम, वो है ऊपर। इसका रूम बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें जॉम्बी वगैरह ये सब ज़्यादा है, जॉम्बी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जॉम्बी को मारने के लिए शॉटगन सबसे बेस्ट रहती है, एक गोली से एक जॉम्बी गया ख़त्म।
दूर दूर है काफ़ी मैप में, ये दूर है काफ़ी केमिकल फैक्ट्री और वो अरे बॉम्ब सेंटर, ये दोनों काफ़ी दूर दूर है। यहाँ से पर्पल रूम ओपन कर लेना है। आइयो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू ग्रीन एंड पर्पल रूम तीनों कैसे रूम ओपन करें। सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल पे, डिस्कॉर्ड पे आ जाना। अभी आपको बता देता हूँ कि हमें फ्री में ब्लू ग्रीन एंड पर्पल कार्ड कैसे ले। तो आपको उसके लिए हमको चाहिए बाउंड्री बार, बाउंड्री बार की एक आइटम होती है वो भी बता देता हूँ। आपको क्राफ्ट में जाना है, आपको नहीं पता अभी बता देता हूँ उसको बना देना है। देखो बाउंड्री बार है ऐसा ही है, बोल्ट जैसा होता है। तो 500 वुड एंड 200 स्टोन लेता है, इसको बना लेना है, बनाकर यहाँ पर लगा लेना। मैंने लगा लिया है, इसके यूज़ नाम आएगा यहाँ पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर देखो मेरे को 100 स्पेयर, 400 स्पेयर और 150 स्पेयर मिले हैं। इसकी जगह हमको मिल सकता है ब्लू कार्ड, पर्पल कार्ड, ग्रीन कार्ड और बस ये तीन कार्ड और बाकी सब स्पेयर मिलेंगे। देखो यहाँ से हम कैसे ले, इसके देखो मिशन है यहाँ पे, देखो हमको 7 की एमओ क्राफ्ट करना है। इसके मिशन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे, देखो मैं सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। 90% ऐसा होगा कि 7 की एमओ है वो आपके कोई भी है ना आइटम यहाँ पर लिखा रहा है, वो पहली बात आप अपने बैग में ले लो, मतलब आप आपका बैग है ना इसमें ले लो, आपका मिशन 90% कम्प्लीट हो जाएगा। देखो ये ब्लू का कार्ड के लिए मिशन है, देखो यहाँ पर बॉर्न हेलमेट बनाना है एक हमको, मतलब अपने बैग में बॉर्न हेलमेट लेना है या बना लेना है ऐसे ऐसा ही कुछ। यहाँ पर ये देखो हमको ब्लू कार्ड मिल जाएगा बॉर्न हेलमेट बनाते ही, बॉर्न का हेलमेट होता है ना जो सिर पे रखते हैं, उसके लिए 15 क्लॉथ और वो चाहिए ऐसी कुछ 30 चाहिए, वो आइडिया जैसी होती है। देखो आपने बाउंड्री बार बना लिया और बाउंड्री बार में आपका यहाँ पर पर्पल कार्ड नहीं आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ से रिफ्रेश करते जाना, रिफ्रेश करते जाना, 50-50 स्पेयर देते रहना है और रिफ्रेश करना है। जब तक पर्पल कार्ड ना आए तब तक रिफ्रेश करना है, या तो उसका वेट करना है या उस मिशन को कंप्लीट कर लेना है। तो आपका पर्पल कार्ड जब आए तब पर्पल कार्ड लेना, वहाँ से देखो पर्पल कार्ड के लिए मिशन होगा, हर आइटम के लिए मिशन होता है ना, तो पर्पल कार्ड के लिए भी मिशन होगा। देखो इसका ना जैक्स लिखा है यहाँ पर, एक्सचेंज विथ वन जैक्स, जैक्स का बता देता हूँ। जैक्स ये एक ऐसी आइटम है जो हमको जॉम्बी डेड करेंगे उसके बाद में ड्रॉप आएगा, ड्रॉप के अंदर हमको जैक्स मिलेगा, या अली को फोड़ेंगे तब जैक्स मिलेगा। ये जैक्स बड़े बड़े कामों के बाद में जैक्स मिलता है, ऐसे हम आसानी से जैक्स में नहीं मिलता। और देखो बाउंड्री बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाउंड्री बार ऐसा है इसके अंदर जो भी नीचे नाम लिखा है वो आइटम आपको अपने बैग में डाल देनी है, 90% मिशन यही होता है, नहीं तो कुछ और होता है जैसे कि आयरन फार्म करना है, 20 आयरन तोड़ना है, 20 स्टोन तोड़ना है, ऐसा मिशन होता है। सिंपल सा मिशन है, फिर भी आपको बाउंड्री बार का समझ में नहीं आया है तो मैं आप कमेंट करना, मैं आपके लिए बाउंड्री बार का मिशन कैसे कहते हैं उस पर बहुत एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। और पर्पल कार्ड का बता देता हूँ, 90% पर्पल कार्ड का यही मिशन होता है कि अपने बैग में जैक्स रखो, आप जैक्स रखो अपने बैग में, आपको पर्पल कार्ड यहाँ से क्लेम कर लेना। आपका पर्पल कार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको रिफ्रेश करते रहना है, या जो मिशन आ रहा है उसको करो, उसके बाद में दूसरा मिशन आएगा उसको करो, उसके बाद ऐसे ऐसे करते रहना है तो आपका पर्पल कार्ड आ जाएगा। देखो पर्पल कार्ड एक यहाँ से मिलता है, एक वो जो टैंक वगैरह किल करेंगे वहाँ से, और दूसरा यहाँ से, और तीसरा मिलेगा हमको अपनी शॉप होती है वो जो 5 लेवल करके बनाई जाती है ना, वो शॉप में मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आकर मेरे को सवाल पूछिए, मैं आपका पूरा का पूरा एकदम जो प्रॉब्लम आपकी हो रही है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वाले वीडियो में इतना ही।